एम श्योर का इस टी वी कैबिनेट तो आपको अच्छा लगा होगा नॉट ही परफेक्ट कुछ कॉन्स रह गई हैं मैं आपको आगे बताता हूँ मेरी कैलकुलेशन थोड़ी सी कम रह गई टी वी कैबिनेट रेडी है बट यहाँ पे एक टी वी की मिसिंग है एंड साउंड बार वू फॉर एवरी थी फॉर द सेटअप का इज स्टिल माई हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन सो आपको थोड़ा इको फील हो सकता है इवन दो ये ड्राॅइंग रूम एरिया है लेकिन यहाँ पे पीछे इमटी है जस्ट कैमराज एंड लाइट चारों तरफ है सो so, यहाँ पे कौन सी टी वी रहेगी कौन सा साइज परफेक्ट रहेगा वो डिसाइड करना रेली इंपॉर्टेंट है सो really so, एक नई टी वी लॉन्च हो रही है तो क्यों ना उसका रिव्यू किया जाए और चेक किया जाए कि वो टीवी यहाँ पे कैसी रहेगी एंड अबाउट द साइज 43 इंचेस, 55 इंचेस, 65 इंचेस ये तीन बिग स्क्रीन साइज होती है जो मोस्ट कॉमन होता है 32 टू इंचज तो आई गेस काफ़ी पुराना टाइम हो गया सो so, uh, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मुझे यहाँ से यहाँ पे अगर टीवी है तो अराउंड मैं 10 फीट के डिस्टेंस से देखूंगा आई गेस अगर मैं यहाँ तक यहाँ पे सोफा रखता हूँ सो so यहाँ से मुझे देखना है तो अराउंड टेन फीट हो गई और डाइनिंग एरिया पीछे है सो so, उस डिस्टेंस uh, के लिए आई गेस फिफ्टी फाइव परफेक्ट होगी तो कौन सी 55 इंच टीवी है अभी मैं आपको दिखाता हूं रियलमी स्लीड टेक्नोलॉजी स्ली टेक्नोलॉजी है क्या है सभी मैं आपको दिखाता हूं फिलहाल तो ना ही इंजीनियर है ना ही कोई है। मैं खुद आपको दिखाता हूं कि टीवी इंस्टॉलेशन कितना कोई कहनेजी है, है और राइट प्लास्टिक को प्रॉपरली डिस्पोज किया करें। और ये मेरी पहली डिजाइन फ्लॉ है कि जो मैंने कैलकुलेट किया था ये थोड़ा सा छोटा निकल गया इसको थोड़ा सा और बड़ा होना था ये मैंने सही आइडिया लगाया था कि वो फर इतने ही बड़े होते हैं तो यहाँ पे प्रॉपरली आ जाएगा केबल मैनेजमेंट रियली पुअर है अभी मुझे सारी केबल्स को सम्भव हाइड करना है तो मुझे कुछ प्रॉपर होल्स करने पड़ेंगे सो ये गाइस दैट्स इट फॉर दिस सेटअप आई गेस अगर आप फर्स्ट टाइम करते हैं तो हार्ड टू हार्ड आपको फाइव टू टेन मिनट्स लगेंगे ओवरऑल यू नो टीवी को बाहर निकालने में एस एम एल करने में रियली really ईजी है क्विकली मैं आपको बता दूँ कि आपको बॉक्स में क्या मिलता है मेरे पास दो बॉक्स हैं जो मैंने लिए हैं फर्स्ट ऑब्वियसली जो टी वी बॉक्स आपने देखा है एंड सेकेंड ये जो मैंने स्पीकर के सेट लिए हैं टू मेक सराउंड साउंड और जो एक्सपीरियंस होता है ऑडियो हो का रियली really बिग करने के लिए तो टी वी के बॉक्स में आपको ऑब्वियसली टी वी मिलेगी एंड uh, एक रिमोट मिलेगा छोटा सा, सा रिमोट इसके बारे में बताता हूं और अगर हम इस बॉक्स की बात करें जो साउंड बार है यहाँ पे आपको एक लंबा सा ये साउंड बार मिलेगा जो 60 वॉट का स्पीकर है साथ ही साथ आपको एक 40 वाट का सर्व ओफर मिलेगा एंड उसमें कंट्रोल करने के लिए आपको एक रिमोट मिलेगा जिसके थ्रू आप डिफरेंट प्रोफाइल्स चेंज कर सकते हैं कनेक्शन ऑप्शन चेक कर सकते हैं चूज़ कर सकते हैं लाइक like अगर आपको ऑक्स केबल यूज़ करनी है या आपको एच यूज़ करना है सो so, ये बेस्ट पार्ट मुझे लगा कि स्पीकर कनेक्ट करने के लिए आप चाहे केबल लें चाहे ब्लूटूथ लें मैंने अभी ब्लूटूथ से कनेक्ट करके रखा है बट अगर आप रियली यू नो लैक फ्री परफॉर्मेंस चाहते हैं फॉर द आडियो आपको कोई ना कोई केबल यूज़ करनी पड़ेगी मेरी केबल मिलने अभी पूर है तो इसलिए मैं केबल नहीं यूज़ कर रहा हूँ मूवी अकॉर्ड टू द टी वी टी वी हम देखते हैं कि कैसी बनाई गई है तो टी वी एज यू कैन सी गाइज ये फिफ्टी फाइव इंचज़ की टी वी है और जैसे मैंने आपको बताया अगर आप दस से पंद्रह फिट के डिस्टेंस तक में टी वी देखना चाहते हैं सो फिफ्टी फाइव इंच बेस्ट ऑप्शन होता है फोर्टी थ्री इंच थोड़ी सी छोटी पड़ जाती है सिक्सटी फाइव रियली बिग हो जाती है तो वो आइज़ के लिए अनसेफ होती है तो चलिए अब टी वी के बारे में बात करते हैं कि टी वी दिखने में कैसी है उसमें क्या क्या आपको, आपको आउटपुट्स एंड पोर्ट मिलते हैं तो टीवी का जो आप डिस्प्ले देख रहे हैं फिफ्टी फाइव का है और इसमें नाइन्टी फोर पॉइंट सिक्स परसेंटेज स्क्रीन टू बॉडी रिशो देगा यानी कि जो बेजल्स हैं वो रियली really स्लिम है एंड अगर बेजल्स का मैं आपको साइज बताऊं तो ये एक सेंटीमीटर से भी कम के हैं आई गेस एट मिलीमीटर तक के इसके बेजल होंगे ये थ्रीन डायरेक्शन में बेजल्स ऑलमोस्ट बराबर हैं और बॉटम में थोड़ा सा बेजल आई गेस वन सेंटीमीटर से, से थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे लोगों और जो आपके कनेक्शन होते हैं वो देने होते हैं तो बॉटम में थोड़ा सा तो बड़ा होता ही होता है और डिफॉल्ट सेटिंग मैंने रखा हुआ मैंने कुछ चेंज नहीं किया ताकि आपको आइडिया लग जाए कि एक्चुअली में ये टी वी वर्क लुक कैसा है डिस्प्ले कैसा है मैंने सभी कुछ डिफॉल्ट दे रखा है नेबार्ट्री कनेक्टिविटी पोर्ट आपको तीन एच पोर्ट मिलते हैं लैंड पोर्ट मिलता है आरडियो पोर्ट के लिए आपको ऑक्स कनेक्शन है और हेडफोन जैक का स्लॉट भी मिलता है यहाँ पे साथ ही साथ लैंड पोर्ट भी लगा सकते हैं और दो यूएसबी पोर्ट भी दिए गए हैं इसमें जो आप यूज कर सकते हैं तो सभी तरह के कनेक्शन ऑप्शन दिए गए हैं एंड ऑब्वियसली एंटीना कनेक्शन हो गए अगर आप यू नो केबल कनेक्शन देखते हैं तो वो भी यहाँ पे ऑब्वियसली दी गई है एंड अबाउट दी फर्स्ट इंप्रेशन टीवी कैसी लगी तो जैसा कि आप देख सकते हैं अभी मैंने एक अपना वीडियो प्ले किया ऑब्वियसली मैं अदर वीडियोस नहीं प्ले करूंगा बिकॉज ऑफ कॉपीराइट प्रॉब्लम्स है सो so, ये टीवी इसमें स्पेशल क्या है कि यहां पे जो टेक्नोलॉजी दी गई है आई गेस अकॉर्डिंग टू द कंपनी ये जो फर्स्ट टाइम ये इंट्रोड्यूस की है विच इज कॉल्ड एज ए स्लीपी वी टेक्नोलॉजी फुल फॉर्म आप मत जानिए क्या होता है वो आप चेक कर लीजिएगा फिलहाल मैं जस्ट आपको एक बेसिक समझ में बता रहा हूँ कि स्लीप टी टेक्नोलॉजी क्या होती है अगर आप कोई भी जनरल डिस्प्ले लेते हैं किसी भी यू नो डिस्प्ले पैनल फॉर एग्जाम्पल टीवी तो एट द इनिशियल स्टेज डिफरेंट लेयर्स होती हैं डिफरेंट तरह की लाइट्स ऑमिट होती हैं जो फर्स्ट स्टेज पे लाइट होती है व्लो ब्लू लाइट होती है देन उसके बाद उस लाइट को आज जी बी कॉम्बिनेशन ये रेड ग्रीन ब्लू की कॉम्बिनेशन से व्हाइट लाइट और डिफरेंट कलर्स प्रोड्यूस किए जाते हैं और जितनी ज़्यादा ब्लू लाइट आपके स्क्रीन से एमिट होगी तो वो उतनी ज़्यादा आपके आइज़ के लिए हार्मफुल होगी इवन अगर आप डिस्प्ले लेते हैं, वहाँ पे भी जो फर्स्ट स्टेज की लाइटिंग होती है वो ब्लू लाइट होती है सो इसीलिए लिए यहाँ पर जो डिफरेंस किया है जो स्ली टेक्नोलॉजी है वहाँ पे जो फर्स्ट स्टेज की लाइट होती है इंस्टेड ऑफ ब्लू की डायरेक्टली वो आठ होती है तो वहाँ पे ब्लू लाइट के जो कंटेंट होते हैं वो रियली कम होते हैं तो उससे बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे फर्स्ट एंड ऑबियसली जो बेनिफिट होगा आपके आइज़ के लिए वो ज़्यादा यू नो हार्मफुल नहीं होगी क्योंकि जितना ब्लू लाइट कम होगा ब्लू लाइट फिल्टर उतना कम होगा तो आपकी आइज़ बेटर होंगी अब चूँकि आर जी बी यहाँ पर कंटेंट ज़्यादा है तो आप वाइडर कलर गैमेट पा सकते हैं मोर एक्यूरेट कलर पा सकते हैं मोर शार्प कलर पा सकते हैं तो ये सभी कुछ एडवांटेज होते हैं विथ स्लीप टी वी टेक्नोलॉजी जो टेक्निकल टर्म मैंने अंडरस्टैंड किया है उसमें ऐसा ही है और इसके अलावा यहाँ पे टी यू राइन लेन का सर्टिफिकेट दिया गया जिसमें वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है जो आई केयर प्रोडक्शन के लिए होता है तो ब्लू रेड इफेक्ट यहाँ बहुत ही कम है शार्प कलर्स हैं ऑल थिंग्स ओरिजिनल तो मैं आपको जस्ट एक कोई कंटेंट दिखा रहा हूँ जो ऑब्वियसली फोर में फिल्म है और फोर में यहाँ पे वीडियो में प्ले हो रहा है तो ट्रू टू नेचुरल कलर आ रहे हैं अब अगर मैं इसको कंपेयर करूँगाड और अदर कंपेरिजन से कुछ चिप्स जो मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर इन दिस टी वी जो कलर्स आ रहे हैं वो रियली really एक्यूरेट आ रहे हैं बिकॉज जो शर्ट मैं पहना हूं जो बैकग्राउंड जो में देखता हूं मुझे वैसा ही नजर आ रहा है जैसे एग्जैक्टली exactly मुझे नजर आता है आउटसाइड में तो कलर एक्यूरेसी में मैं कहूंगा ऑलमोस्ट नाइन्टी नाइन परसेंटेज एक्यूरेट इसमें है और विथ कंपेसन टू ओलेट स्पेशली अगर कोई कलर आप ऐसा ले रहे हैं लाइक like अगर आप कंप्लीट ब्लैक कंटेंट देख रहे हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा फर्क पड़ता है क्योंकि ओले टेक्नोलॉजी अलग होती है वहाँ पे ब्लैक पिक्सल्स कंप्लीटली टर्न ऑफ हो जाते हैं तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा बेटर कलर मिलेगा ब्लैक में अदरवाइज स्टैंडर्ड में अगर आप देखें मोस्ट ऑफ द कलर्स जो मैं विद्ली टेक्नोलॉजी देख रहा हूँ मुझे टू दिख यानी कि मुझे कुछ खास डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है अबाउट डिस्प्ले पैनल एंड क्वालिटी मैं कहूँगा ये रियली एक् है कि टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम आ रही है एल पैनल में विच इज वेरी ग्रेट एंड कंपेयर टू अदर जो भी पैनल्स अवेलेबल है आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज आपको लग रहा है सुपर मुझे एज सच एक बार भी नहीं फील हुआ कि कंटेंट थोड़े से कम शार्प हैं या ब्राइटनेस की कमी है सभी चीज़ें परफेक्टली एक्सेटेबल हैं और चलिए मैं क्विकली आपको यहाँ पे वॉक थ्रू करा देता हूँ कि यहाँ पे इंटरफेस कैसा मिलता है तो ये आपको डिफॉल्ट स्टॉक एंड्राइड मिलता है इस टी में कोई भी एक्स्ट्रा आपको कस्टमाइजेशन नहीं है यानी कि आपको ऐसा लग रहा हो कि कुछ अलग तरह का आपको थर्ड पार्टी इंटरफेस दिया गया तो ये परफेक्टली स्टॉक है अगर आप सेटिंग में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं ये आपके एंड्रॉयड नाइन पे बेस है तो so, हर सभी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी अगर आप ऐप्स में जाते हैं सभी डिटेल्स यहाँ पर देख सकते हैं जो भी अपल्केशन आप चला रहे हैं डिवाइस प्रेफ्रेंस एंड अदर थिंग्स आप देख सकते हैं और अगर मैं आपको अबाउट फोन देखा यहाँ पर आप देख लेंगे कि ये टी वी कम्प्लीटली एंड्राइड नाइन पे बेस है सो दिस इज दी एंड्रॉइड नाइन इंटरफेस और यहाँ जो भी अपडेट आएगा वो ओ टी अपडेट के थ्रू आएगा यानी कि आपकी टी वी वैलिसून एंड्राइड टेन पे भी अपग्रेड हो जाएगी और अगर हम बिल्टी एप्लीकेशन की बात करें तो यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स अमेजन प्राइम यूट्यूब एंड क्रोम कास्ट का भी ऑप्शन यहाँ बिल्ट इन दिया गया है तो ये सभी चीज़ें आप आते हैं बाकी आप प्ले स्टोर से जो भी अपलीकेशन चाहे साइड लोड कर सकते हैं टीवी की परफॉर्मेंस भी कूल cool है आप देख सकते हैं आपके सामने में टी वी ऑपरेट करो नो सच प्रॉब्लम सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट दी जो साउंड बार यहाँ पे दिया गया उसकी क्वालिटी कैसी है तो यहाँ पे भी जो साउंड बार का जो है रिमोट है उसके थ्रू आप कंट्रोल कर सकते हैं जैसे मैंने बताया आप चाहे तो ब्लूटूथ चाहे ऑक्स केबल चाहे एच के थ्रू अपने साउंड बार को कनेक्ट कर सकते हैं ऑडियो क्वालिटी भी देखते हैं कि इस टीवी से कैसी आती है फिलहाल मैंने अभी

TV में बिल्ट इन आपको दो स्पीकर्स मिलते हैं दोनों ही आपके बॉटम पे हैं एक इस साइड पे है और एक इस साइड पे है तो आप इसको 30 और 35 भी सुनेंगे। और अगर आपको, आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट कर रखा है अगर आप एच डी माई अदर से करते हैं तो थोड़ा सा बेटर आउटपुट पा सकते हैं लेकिन फिर भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आई गेस मोस्ट ऑफ पीपल ब्लूटूथ करेंगे तो मैं ब्लूटूथ से आपको दिखा रहा हूँ से से करते हैं, you know, कैमरा है। so जैसे आपने सुना होगा, एक्सपीरियंस थोड़ा सा बढ़ गया है डिफरेंट मोड्स दिए जाते हैं मूवीज म्यूजिक न्यूज जो भी आप चाहे कस्टमाइज कर सकते हैं तो मैं यही कहूंगा कि विथ साउंड बार आपका जो एक्सपीरियंस है वो रियली कूल हो जाता है आपको चार स्पीकर मिलते हैं इस साउंड बार में और यहाँ पे जो वोफर है फोर्टी वाट का सो ऑन ए कम्बाइंड ट्वेंटी फोर वाट यहाँ पे है प्लस हंड्रेड वाट यहाँ पे तो अराउंड ट्वेंटी फोर वाट का जो आपको साउंड एक्सपीरियंस है वो वेरी अच्छा हो जाएगा एंड अबाउट द रिमोट वो भी हम देखते हैं कि कैसा है तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डिजाइन कैसा है ऊपर हल्का सा स्लिम है नीचे थोड़ा सा थिक हो गया है और ऐसा है ये दिखने में बहुत ही सिंपल है और बहुत ही लाइट वेट है यू नो ट्रेडिशनल रिमोट की कंपैरिजन में और यहाँ पे एक नेवी बिल दी गई है आई विश यहाँ पे एक येलो लाइट होती जो कि रियली really अच्छी लगती तो ये आपकी नेविगेशन कंट्रोल है जिससे आप अप एंड डाउन करते हैं सेंटर में आपका ये ओके okay बटन है जिसके थ्रू आप सभी प्ले कर यू you नो know, इंटर करते हैं देन ये बैक बटन है और ये आपका होम बटन और मेन्यू बटन आप कह सकते हैं जिसके थ्रू आप होम स्क्रीन पे आ जाते हैं और डेडिकेटेड शॉर्टकट दिया गया है नेटफ्लिक्स यूट्यूब प्राइम वीडियो और यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं जिस तरह का भी आपको इनपुट आपके में देना हो लाइक एच डी एम आई या अदर्स जो भी आप यहाँ पे देना चाहते हो वो प्रेस करेंगे वापस आप वहाँ पे आ जाएंगे और ये वॉल्यूम प्लस माइनस वॉल्यूम प्लस और यहाँ पर डायरेक्टली गूगल असिस्टेंट भी दिया गया मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ गुप्ता इंफॉर्मेशन सिस्टम्स सो so डायरेक्टली आप यहाँ से कोई भी कंटेंट सर्च कर सकते हैं और उसको यूज़ भी कर सकते हैं तो रिमोट काफ़ी सिंपल है मुझे थोड़ा सा यहाँ पे लगा ये हल्का सा देखिए क्लिक ही साइंड करता है साउंड आती है आई विश ये चीज़ थोड़ी सी यहाँ पे मिनिमाइज हो जाती है तो बहुत ही अच्छी लगती थी सही so, साउंड बार का रिमोट यहाँ पे डिफरेंट कनेक्शन ऑप्शन अगर बाय डिफॉल्ट ब्लूटूथ यूज़ करते हैं तो आपको ये सभी बटन नहीं यूज़ करने जहाँ पे ऑक्स कनेक्शन और यूजी कनेक्शन दिया गया आप ये ब्लूटूथ से अपने आप कनेक्ट हो जाएगा और अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं तो यहाँ से आप वॉल्यूम बढ़ा सकते हैं साउंड बार का म्यूट कर सकते हैं और नेक्स्ट ट्रैक प्रीवियस ट्रैक यहीं से आप चेंज कर सकते हैं डिफरेंट मोड्स दिए गए मूवी म्यूजिक न्यूज़ और अगर ये तीन बेसिक हैं डिफ़ॉल्ट हैं और भी यहाँ पे मोड्स हैं जो आप चाहें तो चेंज कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं साउंड बार को कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की बात करूं तो यहाँ पे आपको बिल्टिन क्रोम कास्ट मिलता है यानी क्या कोई भी कंटेंट आप फोन पे देख रहे हैं तो आप वायरलेसली यहाँ पे उसको ट्रांसमिट कर सकते हैं अगर आप एक नेटवर्क में पेयर करते हैं तो अपने आप वो देखेंगे अपने स्मार्टफोन को आप एंड्रॉयड टी वी से भी कंट्रोल कर सकते हैं सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे आप डिवाइस एड कर सकते हैं मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन सी डिवाइसेज मैंने ऐड कर रखी है सॉरी यहाँ पे नहीं आपको रिमोट एक्सेसरीज भी आना है तो मैंने यहाँ पे रिमोट कनेक्ट कर रखा है साउंड बार अपने स्मार्टफोन को भी आप कनेक्ट कर सकते हैं जो भी आप यूज करते हैं और वहीं से उसको ऑपरेट भी कर सकते हैं तो जैसे आपकी कन्वीनियंस हो सो गाइस दैट्स होट से रियल मी स्ली टीवी क्या क्या इसमें आपको फीचर्स मिलते हैं मैंने आपको बताया एंड लेट्स टॉक अबाउट ऑफ दिस समरी कि ये टी वी मुझे कैसे लगी सो फर्स्ट अबाउट द डिस्प्ले पैनल जो कि रियली really मुझे अच्छा लगा बिकॉज मैं ओलेट भी देखता हूँ स्टैंडर्ड एल भी देखता हूँ फोर के ऑल एंड इसमें स्लीड है तो स्लीड कलर्स बहुत एक्यूरेट हो गए हैं नेचुरल हो गए शार्प हो गए जैसे आपको मिलते हैं बाहर सो नो कम्प्लेन नो कम्पलेट विद दैट एंड आडियो आउटपुट इट से अच्छा है और यू नो गाइस नो दैट मुझे स्टॉक एंड वाइट पसंद है तो इट लाइक माई सोनी ब्राविया माई वंक्लस टीवी सभी स्टॉक में आते हैं सो so, मुझे यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही स्टॉक में देखने में सो इट्स रियली हेल्पफुल फॉर मी कोई यहाँ पे एक्स्ट्रा पैसा नहीं दिखा है बहुत ही परफॉर्मेंस आई गेस सिलर परफॉर्मेंस मुझे मोस्ट ऑफ द वी ब्रांड्स से मिलती है जो मैंने यूज किए हैं शॉमी वन प्लस सैमसंग सभी मिलती है क्योंकि हमारे स्मार्टफोन इतने फास्ट हो गए हैं कि हमें रियली फास्ट यूज करने की आदत पड़ गई है सो तो अगर हम उसको स्किप करके है यूज करें तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लगी अपलीकेशन स्विचिंग ओपनिंग सभी कुछ काफी क्विक है जो भी पहले से हमने खोल रखा है आप देखेंगे इंस्टेंटली वहां पे रिज्यूम में जाता है मिनिमाइज हो जाता है सो इट्स जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड लेता है और आसानी से हो जाता है और अभी तो गाइस ये फर्स्ट इंप्रेशन है लेट्स सी कि कितने अपडेट्स आते हैं फ्यूचर में और क्या क्या यहाँ पे ऐड होता है सो so, uh, अभी तक तो गाइस परफेक्ट है विद साउंड बार विद वो एंड विद सच अ बिग स्क्रीन इट्स रियली कूल है स्पेशली जो स्टैंड यहाँ पे दिया गया आई लाइक दैट स्टैंड वेरी मच एंड आई जस्ट विश ये थोड़ा सा ऊपर होता बिकॉज ये जो साउंड बार है मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एडजस्ट हो लेकिन जैसे मैं यहाँ पे रखता हूँ तो ये जो आपका टीवी का रिसेप्शन वाला आपका यहाँ पे जो लगाया गया है पॉइंट वहां पे ये साउंड बार हाइड कर देता है सो so, टेक्निकली वो बेस्ट पोजीशन तो नहीं है साउंड बार ऑलवेज आपको थोड़ा सा टीवी नीचे रखना होता बट आई विश कि ये वहां पे हो सकता था बट ओवरऑल इट इज अ ग्रेट प्राइस में ये आपको मिल रही है आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज किया गया है सभी चीजें परफेक्ट है और जो भी आपको फीचर्स मिलते हैं वो रियली कूल है so, आप भी अपने थॉट्स शेयर करिएगा कि आपको ये रियलमी स्ली टीवी कैसे लगी थैंक यू सो मच गाइस आज के इस वीडियो को देखने का उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा माय नेम इज सौरभ Have a great day.